आपके अपने ऑनलाइन चैनल टारगेट विद आलोक में मैं वीके शुक्ला आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के लिए आज से कक्षाएं जो है वो प्रारंभ हो चुकी हैं। आप यूपीएसआई में एडमिशन लेने के लिए जो है वो स्क्रॉल बार में जो डिटेल चल रहा है उससे एडमिशन प्रक्रिया कर सकते हैं, या फिर हमें इस नंबर पर जो है इस नंबर पर यूपीएसआई एंट्री, ठीक है, वो यूपीएसआई एंट्री लेकर व्हाट्सएप करेंगे तो सारी डिटेल आपको जो है वो यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मूल विधि की इन क्लासेस चल रही हैं जैसा कि हम पढ़ रहे थे अभी तक। ठीक है, तो कल जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो साधारण अपवाद, भारतीय दंड संहिता में जो है वो साधारण अपवाद पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो साधारण अपवाद में जो चीज़ें चल रही थी वो धीरे धीरे अब अंतिम चरण में पहुंच रही हैं। कल धारा 84 तक हमने जो है वो एक अध्ययन किया था। ठीक है, तो धारा 84 तक जो हमने अध्ययन किया था उसको एक बार जो है वो आप लोग अपने से पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, कोई समस्या आए तो कमेंट्स में आप जो है बता सकते हैं हमें। ठीक है, आज आगे की धाराएं देखते हैं। आज प्रयास करेंगे कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है आत्मरक्षा का अधिकार यहाँ तक जो है वो समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं भारतीय दंड संहिता में धारा 85 और धारा 86। ठीक है, धारा 85 और धारा 86 जो है वो कैसा है, धारा 85 और धारा 86 जो है वो मत्तता से संबंधित है, इंटॉक्सिकेशन से संबंधित है, यानी कोई भी व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन से संबंधित है। मींस कोई भी व्यक्ति यदि मत्तता की हालत में शराब पिए हुए है, दारू पिए रखा है, और उस समय यदि वो कोई अपराध कर देता है, कोई कार्य कर देता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो है क्या अपराध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये यहाँ पर देखने वाली बात है। ठीक है, तो धारा 85 और धारा 86 दोनों जो है वो मत्तता से संबंधित है। ठीक है, तो धारा 85 जो है वो आप हेडिंग डाल लीजिए, धारा 85 क्या कहलाती है, अस्वैच्छिक मत्तता। अस्वैच्छिक मत्तता मींस ऐसी मत्तता जो आपकी इच्छा के विरुद्ध की गई हो, ऐसी मत्तता जिसमें आपकी इच्छा ना हो, आपको ज्ञान ही ना हो। सपोज करिए आप अपने दोस्त की पार्टी में जाते हैं, आप शराब, आप ड्रिंक नहीं करते हैं, आपको ड्रिंक करने की आदत नहीं है, वहां पर सारे दोस्तों ने क्या किया, बोला यार ये कोल्ड ड्रिंक है चल पी ले। अब आपने क्या किया, आपको लगा कि ये कोल्ड ड्रिंक है और आप पी गए, और पीने के बाद आप अपने घर की तरफ जा रहे थे और गाड़ी से या बाइक से किसी चीज से थे और किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं, दुर्घटना कर देते हैं, वहां पर आपको इस बात का डिफेंस मिल जाएगा कि साहब मत्तता में तो था मैं, मत्त स्थिति में मैं था, परंतु वो जो मत्तता थी वो मेरी स्वैच्छिक मत्तता नहीं थी, अस्वैच्छिक मत्तता थी। तो अस्वैच्छिक मत्तता की स्थिति में आपको इस बात का पूरी तरीके से डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए, धारा 85 क्या कहलाती है, अस्वैच्छिक मत्तता के बारे में धारा 85 जो है वो बताती है। ठीक है, उसके बाद धारा 86 जो बताती है वो स्वैच्छिक मत्तता, जानबूझकर हमने पिया है। ठीक है, स्वैच्छिक मत्तता, वॉलेंट्री ड्रिंकनेस, हमने अपनी मर्जी से पिया और हमने अपनी मर्जी से कोई अपराध कर दिया। ठीक है, ये कहलाती है हमारी क्या, स्वैच्छिक मत्तता। दोस्तों, स्वैच्छिक मत्तता में भी आपको डिफेंस मिलेगा, लेकिन कब, जब कोई कार्य आप किसी विशेष ज्ञान या आशय के किए हो। ज्ञान या आशय, मैं पहले भी आपको बता दिया था दोस्तों, पहले ही लेक्चर में शायद बताया था कि कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाता है जब तक कि उसके पीछे कोई भी मोटिव आपका मैलाफाइड ना हो, इंटेंशन हमारा जो है, आशय हमारा वो गलत ना हो। यदि आशय आपका गलत नहीं है दोस्तों, तो आपको किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, स्वैच्छिक मत्तता आपने की शराब पी रखी है, लेकिन आप कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में आपका आशय अपराध करने का नहीं था। ठीक है, आपको ज्ञान नहीं था कि इसके द्वारा कौन सा अपराध हो जाएगा, कौन सा अपराध गठित हो जाएगा। वहां पर भी धारा 86 में इस बात का डिफेंस आपको मिल जाएगा, इस बात की जो है वो प्रतिरक्षा आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो धारा 85 और 86 दोनों का इस चीज से जुड़ी हुई है, मत्तता से जुड़ी हुई है, और धारा 85 कहती है अस्वैच्छिक मत्तता, धारा 86 कहती है स्वैच्छिक मत्तता, और स्वैच्छिक मत्तता में कोई कार्य अपराध नहीं
नहीं माना जाता है जब वो विशेष ज्ञान या आशय के ना किया गया हो। ठीक है, मीन्स आप अपनी मर्जी से दारू पी रखे हैं लेकिन कोई अपराध आप करते हैं तो आप क्या है वो चीज आपको ज्ञान ना हो उस चीज का। ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे कार्य की प्रकृति को। ठीक है, चलिए धारा 85 और धारा 86। अब इसके बाद देखते हैं हम धारा 87, 88 और 89। ठीक है, एक बंच में पढ़ेंगे हम धारा 87, 88 और 89। धारा 87, 88 और 89 क्या है, ये सहमति से जुड़ा हुआ है, कंसेंट से जुड़ा हुआ है। सहमति यानी कंसेंट से, कोई काम जब कंसेंट से किया जाता है, एक दूसरे की सहमति से किया जाता है, तो क्या वो अपराध की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा, ये बात देखने वाली रहती है। ठीक है, धारा 87 क्या कहती है, धारा 87 ये कहती है कि कोई कार्य जब सहमति से किया गया है, कोई कार्य सहमति से किया गया ठीक है, परंतु आशय उपहतिकारित होने का ना हो, आशय उपहति या घोर उपहति, अभी बता देते हैं दोनों शब्द क्या हैं, उपहति या घोर उपहति ना हो। उपाधि मतलब चोट आना, गंभीर प्रकृति का, घोर उपाधि मीन्स गंभीर प्रकृति की चोट आना, हड्डी टूट जाना, नाक का जो है विच्छेदन हो जाना, टूट जाना, आंख का फूट जाना, ठीक है, या आपकी हड्डियों का जो है वो स्थायी विच्छेदन हो जाता है, ये सारी चीजें गंभीर प्रकृति के अपराध में घोर उपाधि में आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर धारा 87 कहती कि कोई कार्य यदि सहमति से किया गया है परंतु उसका उद्देश्य ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति को गंभीर उपाधि आए। सपोज करिए, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल यहां पर ये समझिए कि आप क्रिकेट मैच जाते हैं स्टेडियम में देखने, ठीक है, आप क्रिकेट मैच जाते हैं स्टेडियम में देखने और वहां पर आप क्या करते हैं, अपनी सहमति देते हैं, क्योंकि रिस्क कवर है वहां पर। मान लीजिए कोई खिलाड़ी सिक्स मारता है और बॉल जाके आपके सर पे लग जाती है, कई बार आपने टीवी में देखा होगा मैच देखते समय ऐसी चीजें होती हैं और आपको खून निकलने लगता है, आपको ब्लड आने लगता है उस चीज बॉल के लगने से। ठीक है, तो यहां पर आप उस गेंदबाज या उस खिलाड़ी या उस बल्लेबाज को के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज करा देंगे कि साहब ये जो है हमको मार दिए और इनकी वजह से हमें जो है चोट आ गई, गंभीर प्रकृति की या सामान्य प्रकृति की। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर आपने सहमति से काम किया था। सहमति यहां सूक्ति काम करती है, मैक्सिम काम करती है, वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया, क्या कहलाती है, वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया, यानी जहां पर आपने वॉलंटरी किसी काम को करने के लिए सहमति दे दी और उस सहमति से आपको जो है कोई अपराध हो जाता है तो उसके लिए, उस इंजरी के लिए आप क्लेम नहीं करेंगे, उस इंजरी के लिए आप जो है किसी व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। ठीक है, समझ में आ गए, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया के सिद्धांत पर ये तीनों सेक्शन काम करती है। लिखना हो आप लिख लीजिएगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं बोर्ड पे, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया मीन्स वॉलेंटाइन, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन जो है शब्द है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाएगा। वॉलेंटाइन का अर्थ होता है कि वॉलेंटरी यानी सहमति से, स्वेच्छा से आपने कोई कार्य करने की यदि अपनी सहमति दे दी है तो यदि उस कार्य को करते करने से आपको किसी प्रकार की उपहति या गंभीर प्रकार की चोट आती है तो उसके लिए फिर कोई व्यक्ति जिम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, ये हो गया धारा 87। धारा 88 क्या कहती है कि किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति के फायदे के लिए यदि कोई कार्य किया गया है, ठीक है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए कोई कार्य किया गया है और उससे उस व्यक्ति को उपहति हो जाती है, धारा 88 कहा जाता है किसी व्यक्ति के
फायदे के लिए किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य। लेकिन कार्य से किसी व्यक्ति को उपहति नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी उसका आशय उपहति नहीं कार्य करने का होना चाहिए, और बिना उसकी बिना जो है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए कार्य कर देते हैं। हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, ठीक है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। परंतु मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और उससे उसको नुकसान हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, तो क्या आप अपराधी हैं? आप उसके फायदे के लिए काम कर रहे थे, सद्भावना पूर्वक काम कर रहे थे, दोनों चीजें हैं, उसके उस व्यक्ति के फायदे के लिए और सद्भावना पूर्वक काम कर रहे थे, परंतु परिणाम ये होता है कि उसकी वजह से उस व्यक्ति को नुकसान हो जाता है। काम तो आप उसके फायदे के लिए कर रहे थे, परंतु उसको नुकसान हो जाता है। सपोज करिए एग्जाम्पल देखते हैं, कोई व्यक्ति जा रहा था रोड पर, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट की वजह से जो है उस व्यक्ति को जब हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति का ऑपरेशन जो है किया जाना अति आवश्यक है, ठीक है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इस व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज ये व्यक्ति मर सकता है। तो वो क्या कहते हैं, उसकी सहमति तो है नहीं, ठीक है, परंतु उसके फायदे के लिए किया जा रहा है, ठीक, क्यों, क्योंकि ऑपरेशन करना जरूरी है, सद्भावना पूर्वक कर रहा है वो डॉक्टर। लेकिन यदि ऑपरेशन करते समय उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो वो डॉक्टर जिम्मेवार नहीं होगा। यहां पर समझिएगा, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता है, ये धारा 88 कहती है। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता है। उदाहरण मैंने आपको दिया कि किसी व्यक्ति को सड़क पर जा रहा था और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जब उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो डॉक्टर को लगता है कि इसकी शल्य क्रिया करना, यानी ऑपरेशन करना इसका जरूरी है, और उसको ऑपरेशन करते समय वो क्या होता है, उस व्यक्ति को कोई डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो डॉक्टर किसी भी चीज के लिए किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं धारा 89 संरक्षक द्वारा किसी शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया संरक्षक द्वारा या किसी शिशु किसी शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य। कोई व्यक्ति है, संरक्षक है किसी बालक के लिए या किसी पागल व्यक्ति के लिए, वो परंतु कार्य उसके फायदे के लिए होना चाहिए, कोई कार्य करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा 87, 88 और 89 ये तीनों हमने आपको बता दिया किससे जुड़ी हुई है, सहमति से जुड़ी हुई है, सहमति के साथ ये जुड़ी है, ठीक है। तो जब यहां सहमति की बात आती है, अब हम ये धारा तीनों आपको याद रखना है, 87, 88 और 89, ठीक है। अब हम देखते हैं धारा 90। यहां पर हमने आपको बताया धारा 87, 88 और 89 सहमति, परंतु यदि वो सहमति भय या भ्रम के अधीन दी गई हो, सहमति जो भय या भ्रम के अधीन दी गई हो,
दी गई हो। ऐसी सहमति जो भय या भ्रम के अधीन दी गई है, क्या वो सहमति सहमति मानी जाती है? आपकी कनपटी पर कोई व्यक्ति बंदूक लगा दे, बोले कि ये जो रजिस्ट्री के पेपर है इस पर साइन करो, आप साइन कर देते हैं, तो क्या आपकी सहमति फ्री है, फ्री कंसेंट है आपकी, आप अपनी मर्जी से सहमति दे रहे हैं? नहीं। तो यहां पर धारा 90 ये कहती है कि ऐसी सहमति जो भय या भ्रम के अधीन ली गई हो, किसी प्रकार भ्रम में आपको डालकर कोई सहमति ले ली जाती है, तो वो सहमति सहमति नहीं मानी जाएगी, वो सहमति जो है वो सहमति नहीं होती है, और उसके अधीन यदि कोई कार्य किया गया है तो वो कार्य जो है अपराध माना जाएगा। ठीक है, धारा 91, ऐसा कार्य जो बिना किसी अपहानि के स्वतः अपराध है, ऐसा कार्य जो बिना किसी अपहानि के स्वतः अपराध है। ठीक है, जैसे कोई अपहानि नहीं हो रही फिर भी वो अपराध है। हम एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल आप सोचिए मिसकैरियज का, गर्भपात का। ठीक है, गर्भपात कराना क्या है, एक अपराध होता है, लेकिन यदि किसी महिला के पेट में गर्भ में कोई बच्चा है 5 महीने 6 महीने 7 महीने का, और यदि वो बच्चा अंदर डैमेज हो जाता है, उसको कोई नुकसान हो जाता है, ठीक है, तो यहां पर गर्भपात कराना क्या है, वो अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर उस महिला का जीवन बचाना आवश्यक है। ठीक है, क्या कह रहा है, ऐसा कार्य जो बिना किसी अपहानि के भी स्वतः अपराध है। यहां पर कोई अपहानि नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपराध माना जाता है। यदि उस महिला की जान बचाना आवश्यक है तभी गर्भपात आप मिसकैरियज करवा सकते हैं, अदरवाइज मिसकैरियज करवाना क्या है, वो अपराध माना गया है। ठीक है, धारा 91। कोई भी सेक्शन समझना है दोस्तों, कोई भी चीजें पढ़नी है, यदि हम एग्जाम्पल और उदाहरण का तरीका नहीं लेंगे तो वो चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल हर जगह पर फिट बैठना बैठाना बहुत जरूरी होता है। धारा 92, धारा 92 देखते हैं हम। कहती है सहमति से, एक मिनट देखते हैं, एक मिनट, ये कहता है सम्मति के बिना, माफ कीजिएगा, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं है। सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं है। समझ में आया कुछ? नहीं समझ में आया, चलिए एक एग्जांपल देते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। सपोज करिए आपका कोई दोस्त है मिस्टर ए, ठीक है, आप और मिस्टर बी ये दोनों मित्र हैं, ये जंगल में घूमने जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए शिकार करने जाते हैं या घूमने जाते हैं। जी सर, नहीं सर, नहीं, आप एक ऐसा फेज लीजिएगा बाद में, कल बोले थे उसको शुरुआत में कट किया जा सकता, पहले इस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद कर देंगे वो चीज उठा के वहां कर देंगे। ठीक है, और सर इसको जब लास्ट करेंगे ना तो फिर कैसे बोल देंगे, हमें लिंक लाएंगे, मैं आलू था बोल रहा हूँ, यहां पर हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि ये दो मित्र हैं ए और बी,
ये दोनों जंगल में घूमने जाते हैं कहीं पर और इनके हाथ पर बंदूक रहती है, ठीक है। यहां पर ए महोदय को जो है वो एक शेर उठाकर ले जाता है, मान लीजिए शेर उठा ले जाता है। यहां पर बी महोदय के हाथ में पिस्टल रहती है, तो बी महोदय क्या कहते हैं, बिना ए की सहमति के उस शेर को मारने का प्रयास करते हैं कि ताकि अपने दोस्त की जान को बचाया जा सके। यहां सहमति नहीं है किसकी, एक ही भाई मार दे, ठीक है, सहमति नहीं है, लेकिन इनकी फायदे के लिए काम किया जा रहा है। अब यहां पर सपोज करिए वो गोली शेर को ना लगी बल्कि लग गई इनके मित्र को, शेर को नहीं लगी इनके मित्र को वो गोली लग गई, ठीक है दोस्तों। तो जब इनके मित्र को वो गोली लग जाती, फ्रेंड को लग जाती है, तो इसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या यहां पर बी हत्या के लिए जिम्मेदार हैं? नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर बिना सहमति के तो काम कर रहे थे लेकिन इन्हीं के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी अपराध है, नहीं माना जाएगा। धारा 92 की हेडिंग आप क्लियर कर लीजिएगा कि सम्मति के बिना किया गया कार्य, ठीक है, सम्मति के बिना किया गया कार्य भले भी उनके यदि उनके फायदे के लिए है तो अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं धारा 93। सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना, सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना या सूचना, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में कोई सूचना दी जाती है, ठीक है, और सूचना देने समय उस व्यक्ति को किसी प्रकार का शॉक लग जाता है, ठीक है, एक व्यक्ति है डॉक्टर के पास जाता है, तमाम रिपोर्ट की जांच कराता है, और जांच कराने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि पेशेंट को कि आपको जो है वो कैंसर है, ठीक है, सद्भावना पूर्वक बता रहे हैं कि आपको एक कैंसर है, वास्तव में है उस पेशेंट को कैंसर, और उसके कारण उस पेशेंट को शॉक लगता है और वो जो है वहीं पर गिरकर मर जाता है, ठीक है, हार्ट अटैक आ जाता है, मर जाता है। यदि यहां पर वास्तविकता में दी गई है सूचना, सद्भावना पूर्वक संसूचना दी गई है, उस व्यक्ति को सूचित किया गया है, तो यहां पर वो डॉक्टर जो है वो अपराधी नहीं है। लेकिन यदि उसको कैंसर नहीं था, कोई और बीमारी थी और इस तरह की बीमारी जानबूझकर बताई गई और उसके शौक के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो व्यक्ति जो है वो हत्या के लिए जिम्मेवार माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहां पर ये चीज ध्यान रखना है कि संसूचना यानी सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। यदि कोई सूचना जो है दी जाती है सद्भावना पूर्वक तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। धारा 94। धारा 94 कहता है कि धमकियों द्वारा विवश करके, धमकियों द्वारा विवश करके किया गया कार्य अपराध नहीं है, अपराध नहीं है। आपको धमकी द्वारा विवश किया गया कि इस व्यक्ति ऐसा काम कर दो वरना गोली मार देंगे, ठीक है, तो यदि धमकी देकर आपकी सहमति प्राप्त कर ली जाती है या आपसे कोई कार्य कराया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल समझिएगा, एक डाकुओं की टोली रहती है, ठीक है, वो डाकुओं की टोली एक लोहार को पकड़ती है और उससे ये कहती है कि चलो चल के ये फलाने व्यक्ति का घर है, इसका ताला तोड़ो या दरवाजा फाड़ना है, चीरना है, ठीक है, और उस लोहार को कहते हैं यदि तू नहीं चला तो तुझे यही मार देंगे, हम गोली मार देंगे, ठीक है। अब यहां पर वो व्यक्ति जाता है और उस व्यक्ति के घर का ताला जो है अपने जो भी उसके हथियार रहते हैं उससे तोड़कर खोल देता है, तो क्या यहां पर वो लोहार किसी अपराध के लिए जिम्मेदार है? नहीं, क्यों, क्योंकि उसको धमकी द्वारा, ठीक है, धमकी द्वारा विवश कराकर यह कार्य किया गया है, ठीक है। धारा 95। धारा 95 कहता है तुच्छ अपहानी,
तुच्छ अपहानि से किया गया कार्य अपराध नहीं है, से किया गया कार्य अपराध नहीं है। यानी तुच्छ अपहानि बहुत स्लाइड सा ऑफेंस, ठीक है। आप किसी की शर्ट पे क्या करिए, ऐसे पेन से मार दिए, उसके शर्ट पे निशान पड़ गया, अब इसके लिए आप थाने नहीं जाएंगे, FIR नहीं दर्ज कराएंगे कि साहब बताइए हमारी शर्ट जो है एग्जाम्बर की शर्ट थी उसको इसने ख़राब कर दिया 1000 रुपये की, ठीक है। आप गाड़ी से जा रहे थे, स्पिटिंग किए, किसी के ऊपर पड़ गया, छिट्टा पड़ गया, ठीक है। आप छत के ऊपर से पानी फेंक रहे थे, गलती से किसी के ऊपर पड़ गया, तो ये क्या है, बहुत स्लाइड से ऑफेंस है। कोई व्यक्ति आपकी 5 रुपये की पेन चुरा ले गया, अपराध चोरी का है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या 5 रुपये के अपराध के लिए, 5 रुपये की पेन के लिए कोई व्यक्ति FIR दर्ज कराएगा? तो यहाँ पर कहा गया कि तुच्छ अपहानि, यदि किसी कार्य से कोई बहुत ही तुच्छ अपहानि होती है तो ऐसे कार्य जो है वो अपराध नहीं माने जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो धारा 95 तक हमने आपका यहाँ पर ये कंप्लीट करा दिया, ठीक है। धारा 96 से लेकर धारा 100 तक जो है वो आपका बताया गया है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के बारे में, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा, या इसी को कहते हैं आत्मरक्षा, आत्म रक्षा का सिद्धांत, रक्षा का अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार जो है वो बताया गया है धारा 96 से लेकर धारा 106 तक। कहाँ पर? धारा 96 से धारा 106 तक, ठीक है। एक चार्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार जो है वो कैसे इसको लिया जाएगा, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि आत्मरक्षा का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, ठीक है, ये समझिएगा इसको। ठीक है, आत्मरक्षा के अधिकार को आप चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है आपकी शरीर की आत्मरक्षा, शरीर की रक्षा। एक होती है संपत्ति की सुरक्षा या रक्षा, संपत्ति। संपत्ति की रक्षा, ठीक है। एक यहां पर पागल व्यक्ति के विरुद्ध आत्मरक्षा, पागल व्यक्ति के विरुद्ध आत्मरक्षा। और आत्मरक्षा का अधिकार का प्रयोग आप कब नहीं कर सकते, कब नहीं कर सकते, ठीक है। इन चार टॉपिक में आपको आत्मरक्षा का अधिकार पढ़ना है कि आत्मरक्षा का अधिकार आपको कहां कहां मिला है। तो आत्मरक्षा का अधिकार आपको शरीर की संपत्ति, शरीर की सुरक्षा के लिए, संपत्ति की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा का अधिकार प्रयोग कर सकते हैं, पागल व्यक्ति के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार प्रयोग कर सकते हैं, और आत्मरक्षा का प्रयोग आप कब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर धाराओं का संकलन हम आपको बता देते हैं कि कहाँ पर कौन कौन सी धारा में दिया गया है। धारा शरीर की सुरक्षा से संबंधित धारा है 97, धारा 101, ठीक है, उसके बाद सॉरी धारा 100, धारा 101 और धारा 102, ठीक है, धारा 102। ये चार धाराएं आपकी शरीर से सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद धारा 103, धारा 103, 104 और 105, ठीक है। धारा 103, 104 और 105 जो है ये संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। पागल व्यक्ति के विरुद्ध आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग दिया गया है धारा 98 में, और कब नहीं आप प्राप्त कर सकते हैं ये बताया गया है आपका धारा 99 में, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं कि आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग जो है वो शरीर की आत्मरक्षा, संपत्ति की रक्षा
पागल व्यक्ति के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार और आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग आप कब नहीं कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इसमें जो है वो दो ये है, धारा 98 और 99 कि क्या पागल व्यक्ति के विरुद्ध भी आत्मरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता ने प्रदान कर रखा है। तो जी हाँ दोस्तों, पागल व्यक्ति के विरुद्ध भी आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग आपको आप कर सकते हैं, और वही आत्मरक्षा का अधिकार होगा जो एक स्वस्थ व्यक्ति के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार कानून आपको देता है। ठीक है, तो पागल व्यक्ति के विरुद्ध आत्मरक्षा के अधिकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या पागल व्यक्ति या उन्मत्त व्यक्ति के विरुद्ध भी आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। तो धारा 98 आपको इस बात के लिए एम्पावर करती है, आपको सुनिश्चित करती है कि यस आप जो है वहां पर भी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का प्रयोग या आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, धारा 99 कहती है कि आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग कब नहीं कर सकते हम। तो जहां पर व्यक्ति अपनी पहुंच लोक प्राधिकारी या लोक सेवक तक बना सकता हो। ठीक है, मान लीजिए आपके घर से थाना मात्र 1 किलोमीटर दूर है, या आजकल फैसिलिटी है घर के अंदर से 100 नंबर डाल कर ये पुलिस आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यदि आप अपनी पहुंच लोक प्राधिकारी तक बना सकते हैं तब आप आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही, कल हम जो है आत्मरक्षा के अधिकार की धारा 96 से लेकर 106 तक डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।